वेल फ्रेंड्स, तो बहुत ही बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं तानाजी द अनसंग महावरियर का हर हर महादेव सॉन्ग कब आएगा। क्या आप लोगों में से किसी को पता है? क्या आप लोगों के अलावा और भी कोई है? क्या किसी को पता है? प्लीज एक बार कमेंट में बताना कि हर हर महादेव सॉन्ग कब आएगा, क्योंकि मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया कि वाकई में हर हर महादेव सॉन्ग की रिलीजिंग कब होगी, क्योंकि मैंने कम से कम 10 वीडियो देख लिए, लेकिन कोई नहीं बता रहा कि हर हर महादेव सॉन्ग कब आएगा। बस इतना सबको पता है कि हर हर महादेव सॉन्ग एक आने वाला है। क्या वाकई में आप लोगों को पता है पब्लिक कि हर हर महादेव सॉन्ग कब आएगा? क्योंकि तानाजी द अनसंग वॉरियर का ये सॉन्ग एक इतना बड़ा और इतना बढ़िया सॉन्ग, जो कि शायद मेरे हिसाब से ये रिलीज होते ही कुछ नहीं तो 10 मिलियन से ज़्यादा भी जा सकता है। क्यों? सबसे बड़े फैक्ट की बात बताऊं, क्योंकि मैं शिव शंकरा की बात करूं, शंकरा सॉन्ग अजय देवगन का बहुत ही शान, और इस तानाजी द अनसंग वॉरियर के सॉन्ग शंकरा ने वाकई में एक रिकॉर्ड तोड़ पब्लिक के दिल में जगह बनाई। तो आप लोगों को क्या सच में पता है हर हर महादेव सॉन्ग कब आएगा? जबकि शंकरा सॉन्ग के लिए बहुत सारे लोगों ने मेरे वीडियो में कमेंट किए हैं, मैं उनके कमेंट्स के आंसर भी लेकर आऊँगा। अगर मैं बात करूँ हर हर महादेव सॉन्ग की, तो आप लोगों ने हंसराज रघुवंशी का ये गाना सुना होगा, मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी भोलेनाथ रे। ये गाना ना जाने कितने मिलियंस पहुंच गया, और जब हर हर महादेव रिलीज होगा तो वाकई में ये गाना नहीं, लोगों की एक पहचान, भोले की एक शान और जान बनकर निकलेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? प्लीज़ हमसे जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए और बता दीजिए और पूछ लीजिए लोगों से कि वाकई में हर हर महादेव सॉन्ग कब रिलीज़ होगा। हम चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं, बाय बाय।